आप सब सभी कैसे हो? आपका परिवार कैसा है? सब मस्त हो बच्चों? आप घर पर हो ना? ओके बच्चों, पिछले सप्ताह हमने आपको एक ऑफलाइन वीडियो भेजा था जिसमें हमने आपको स्वर सिखाया था, है ना बच्चों? आपको आता है मालूम है मुझे, क्योंकि आपने पहली कक्षा में सीखा भी है। इस बार हम फिर स्वर के बाद हम व्यंजन सीखेंगे। आज हम व्यंजन आपको बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है और कैसे इसका उच्चारण करना है, ठीक है बच्चों? चलिए, आप एक किताब रखिएगा जिसमें आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, छ, ञ, ट, ठ, द, ध, ञ। ठीक है बच्चों, समझ आया? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, झ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। नेक्स्ट, त, थ, ड, ढ, ण, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, त, थ, ड, ध, ण, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। श, स, ख, श, त्र, ञ, श, श, स, ह, श, त्र, ञ, श। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये हमारा व्यंजन है। इसमें पिछले साल हमने सीखा था व्यंजन को। इसी तरह आप एक आपका पिछले साल का नोटबुक होगा बच्चों आपके पास, उस नोटबुक में आप इस तरह लाइन खींचेंगे और लाइन में तीन तीन लाइन छोड़कर एक एक कॉलम जैसे बनाएंगे। वहां पर आप लिखेंगे क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झरना, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ढ से ढमरू, ढ से ढोलक, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धन, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भरना, म से मछली, या से कुछ भी यंत्र, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वक, श से शलगम, श से षष्ठकोण, श से शलगम, ह से हल। ये आपको पिछली कक्षा के पहली कक्षा के बुक में मिलेगा। आप वही चित्र देखकर आप बना सकती हो, ठीक है बच्चों? देखिए, बट आप कोई भी एक चित्र बनाइएगा। ट से टब, ठ से ठटेरा, ड से ढमरू, ड से डलिया या ढ से डपली, उसके बाद त से तरबूज, थ से थर्मस, ड से दरवाजा, ध से धन, न से नल,
प से पतंग, फ से फल, ब से बगुला या बतख, भ से भवन भरना, म से मछली मटका। नेक्स्ट य से यंत्र। नेक्स्ट र से रबड़, ल से लड्डू, व से वक, श से शलगम, श से षष्ठकोण। फिर उसके बाद स से सब्जी, फिर स ह से हल्दी हल। फिर उसके बाद शत्र ज्ञ। ये आपका बनाने का क्लास में आप बना सकते हो आपके पिछले साल का क्लास वर्क बुक में। ओके बच्चों, समझ आया ना? देखो बच्चों, पिछले साल मैंने आपको ये बुक दिखाया था, इसमें मैंने हिंदी वर्णमाला लिखा है। ये बुक आपने देखा होगा, पिछले साल हमने आपको दिखाया था स्वर। आ सी अनार, आ सी आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊ, री से ऋषि, ए से एक एडी, ए से एनक एरावत, ओ से ओखली औरत, ओखली औरत। फिर अम से अंगूर। नेक्स्ट व्यंजन, देखिए व्यंजन। क से कमल, ख से खरबूजा, ग से गमला, ग से घर। ये क वर्ग था, ये च वर्ग। च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, ज से झंडा। ये च वर्ग था। अब ये टावर, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ढ से ढमरू, ड से ढक्कन। ये टावर था। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दावत, ध से धनुष, न से नल। तवर्ग। अब ये पवर्ग, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भवन, म से मछली। पवर्ग है थाली। अब ये य, य से यज्ञ याक, र से रबर, ल से लट्टू, व से वन, य र ल व, श से शरबत, श से षष्ठकोण, स से सड़क, संतरा, ह से हाथ हल। ये श था। श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श से श्रद्धालु या श्रमिक। ओके बच्चों, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। ये हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे। आप ऐसे बना सकते हो ये बुक, ठीक है बच्चों? ऐसे आप बना सकते हो। पिछले साल हमने बताया था आपको, ये बुक दिखाया था आपको कैसे करना है, ये स्वर और व्यंजन ऐसे बना सकते हो। ओके बच्चों, आपको समझ आया? और आप ऐसे ही नोटबुक में आप लिखकर ड्राइंग करके कलर करके रखेंगे। ऊपर तारीख लिखिएगा और व्यंजन लिखिएगा, और ऐसे अक्षर यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग सारा मिलाकर आप इसे चित्र बनाकर लिखिएगा, खींचेगा ना बच्चों? ओके बच्चों, आपको समझ आ गया ना? ओके बच्चों,
अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।